Jai Hind. Welcome again to the physical education class. Students, it is the first class of physical education for 12th class students. Today we are going to learn the first chapter. The chapter name is Planning in Sports. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपका जो सीबीएसई का एग्जाम होगा 12th क्लास में, उसमें 100% इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि फिक्स्चर्स बनाना और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे. सो लर्न दिस चैप्टर केयरफुली. नाउ कम टू द पॉइंट, प्लानिंग. बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर, जब ये वर्ड्स दिए हों प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, तो उन वर्ड्स को तोड़ लो. सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उन वर्ड्स को तोड़ लीजिए, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा. तो प्लानिंग क्या है? योजना. इस प्लानिंग को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जो भी मैनेजमेंट होती है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट हो, किसी भी फील्ड में जो भी मैनेजमेंट होती है, उनके मेन 4 टास्क होते हैं. द फर्स्ट टास्क इज प्लानिंग. उसके बाद अगर वो कोई टास्क करता है, तो वो जो आप उन्होंने प्लान किया है, प्लानिंग है कि मेकिंग अ सिक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन. क्या है प्लानिंग? एक कार्यों का योजना रूप, क्रमबद्ध तरीके से किया हुआ योजना रूप कार्य है, जो हमें, वो कौन से कार्य हैं जो हमें फ्यूचर में करने हैं, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. अब इसकी बात करें, प्लानिंग के बाद जो मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप आता है, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग. आपने प्लानिंग की और उस प्लानिंग में जो भी आपने सिस्टम रखा है, जो भी आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, उनको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है लीडिंग, उनको लीड करना. एक मैनेजमेंट के मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास योजना बनी होनी चाहिए. सेकंड ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, उसका लीडिंग होना चाहिए. और देन लास्ट वन इज कंट्रोलिंग. आपने जो प्लानिंग की है उस पर आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए. दिस इज द वे टू अचीव द गोल्स ऑफ योर प्लान वर्क. नाउ कम, वी आर हियर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. प्लानिंग क्या है? बताया था, भविष्य में जो भी हमें कार्य किया जाना है, उसको क्रमबद्ध तरीके से तैयार करने वाला एक फ्रेमवर्क, वो योजना कहलाता है. अच्छा, अब इस योजना में जो हमने प्लानिंग करी है, इसके स्टेप्स होते हैं. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस टॉपिक पे, क्योंकि आगे का टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बेस समझा रही हूँ इसका, प्लानिंग का क्या है. तो जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करने से पहले हम बैठ गए, अगर ग्रुप में हम बैठ गए कि हमें प्लानिंग करनी है. अगर हम स्पोर्ट्स के एरिया की बात करें, तो जो भी प्लानिंग हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये, थिंकिंग का. प्लानिंग क्या है? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, बौद्धिक प्रक्रिया है सोचने की. जो आप करोगे कि सेटिंग ऑफ गोल्स उसमें कर बना लोगे उसमें, और उन गोल्स को अटेन कैसे करना है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स प्लानिंग. तो प्लानिंग और स्पोर्ट्स प्लानिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कि जो प्लानिंग आप स्पोर्ट्स के एरिया में करोगे, दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स प्लानिंग. तो इसके स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर करने हैं, जो भी प्लानिंग आप करो, कि किसके लिए प्लानिंग हो रही है और जिसके लिए प्लानिंग हो रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू कंडक्ट एथलेटिक मीट, और यू आर गोइंग टू कंडक्ट नेशनल स्पोर्ट्स मीट, और वट एवर यू आर गोइंग टू कंडक्ट सेमिनार, वर्कशॉप. प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग. एम एंड ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका एम तो है कि हमें रीजनल लेवल प्लानिंग करनी है, रीजनल हमारे पास रीजनल स्पोर्ट्स मीट होगी, और फंड आपके पास है ही नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, आपका कोई उसमें ऑब्जेक्टिव सोच रहे हो कि आप इसमें कितने बच्चे नेशनल चले जाएंगे. नो, प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द पर्पस, एम शुड बी क्लियर. देन द सेकेंड वन इज पाथ. आप उसमें कौन सा पाथ लोगे और क्या क्या टास्क उसमें किए जाएंगे उस प्लानिंग के अंदर, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी प्लानिंग का. द थर्ड वन इज डिटरमाइन रिसोर्सिस नीडेड टू गेट दैट एम. आपका एक छोटा सा स्कूल है और आपको सीबीएसई ने दे दिया कि आपको सीबीएसई फुटबॉल टूर्नामेंट कराना है, तो क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं? फुटबॉल में तकरीबन 1000 बच्चे आके आपके स्कूल में स्टे करेंगे. आर यू कैपेबल टू मेक अरेंजमेंट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स? तो रिसोर्सेज आपको देखने हैं कि हमारे पास है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, टेम्परेरी रिसोर्सेज, या साइड की हम कोई बिल्डिंग हायर करें, ग्राउंड हमारे पास प्रॉपर है या नहीं. वी आर सपोज टू चेक ऑल दैट रिसोर्सेज एंड देन क्रिएट अ टाइमलाइन. द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ प्लानिंग, आपको विद इन टाइम लाइन 3 to 5 days और 6 days, 7 days फिक्स्चर्स जब बनते हैं कि इतने मिनिमम टाइम में, मैक्सिमम टाइम में हमें मैच कवर करने हैं, और उसके साथ साथ हमें सेपरेट टाइम भी रखना है. क्यों? बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस.
एनीथिंग कैन हैपन. आपने प्लान कर लिया है कि हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है उसके साथ, प्लानिंग को हमें फ्लेक्सिबल रखना है कि आपने प्लान किया था शाम को मैच होना है और सडनली वेदर स्पॉइल कर दिया, वेदर ने मैच को जो शेड्यूल है आपका वो प्रॉपर नहीं चल पाया, तो हमें सेपरेट टाइम चाहिए उसके लिए. द नेक्स्ट वन इज फाइनलाइज प्लान. आप अपने लास्ट मिनट प्लान को फाइनलाइज कर लेंगे कि अगर ये कंडीशन होती है तो फिर क्या होगा. एंड देन अगेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग डिस्ट्रीब्यूट टू द जो आपने प्लान किया है, डिस्ट्रीब्यूट दैट प्लान टू दी ऑल पार्टिसिपेटिंग द प्रोसेस, जो भी उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, उन सबको आप उस प्लान को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. दीज आर द मेन स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग. ओके, अगर अब एम की बात करें, हमारा फर्स्ट था कि हम स्टेप क्या लेंगे प्लानिंग में, एम लेंगे. और एम क्या होगा, किसी भी प्लानिंग का एम क्या होगा, मैंने आपको बताया था एम हमेशा मोस्टली एक ही होता है. 11th क्लास की जो क्लास ली थी हमने उसमें बताया था, एम इज ऑलवेज वन. एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स व्हिच वी आर गोइंग टू टेक टू अचीव दैट एम. इस एम को अचीव करने के लिए जितने भी हम स्टेप्स चढ़ेंगे या उनको फॉलो करेंगे वो उसके उद्देश्य कहलाते हैं. तो प्लानिंग का एम क्या है, किसी भी योजना का एम क्या है, वो आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल ऑफ टास्क, कंप्लीशन ऑफ, आपने जो भी काम किया है उसका कंप्लीशन करना है, कंप्लीशन करना है सक्सेसफुली. ऑफ टास्क, जो भी आपको काम मिला है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना, वो आपकी प्लानिंग का एम होगा. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसमें अगर हम स्पोर्ट्स के लिए प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वी आर रीडिंग हियर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. अवॉइड अननेसेसरी प्रेशर, किस लिए है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अननेसेसरी प्रेशर अवॉइड करना है लास्ट मिनट. होता क्या है कि अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है और टीम्स आनी शुरू हो गए तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि अब क्या करें. उस अननेसेसरी प्रेशर को ना क्रिएट हो इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, लास्ट मिनट का जो प्रेशर है, टीम्स आ रही हैं या क्या हो रहा है. फिर सेकंड क्या होगा ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एवरी एक्टिविटी. जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. होता क्या है कि हमारे पास ग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास कोई भी एक्टिविटी है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है. हो सकता है आपके पास ग्राउंड है और आप उसमें फुटबॉल मैच करा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा हैं और आपका आइडिया आपको आता है कि जहां फुटबॉल ग्राउंड 100 मीटर हम ले रहे हैं, 100 यार्ड्स ले रहे हैं, एंड इफ यू आर हैविंग ग्राउंड ऑफ 150 यार्ड्स, वी कैन मेक टू ग्राउंड्स आउट ऑफ दैट. देन प्रॉपर यूज एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, यूटिलाइज करना टाइम के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग. देन कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं डिफरेंट एरियाज में, जितनी भी कमेटीज हैं आपके, रिफ्रेशमेंट कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, उन सब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग. देन कोऑर्डिनेशन, अब इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल आपने कर लिया है तो वो जो डिफरेंट कमेटीज हैं, डिफरेंट मेंबर्स काम कर रहे हैं, उन सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी, अगर हम फूड की बात करें तो फूड कमेटी ने अरेंज कर दिया है खाना जहां स्टे वेन्यू है और उनका टाइम फिक्स है कि 1-3 o'clock आपको लंच प्रोवाइड होगा. सडनली हुआ क्या कि ग्राउंड में मैच चल रहा है और कुछ बच्चे वहां रह गए, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो ऑफिशियल्स का वहां ग्राउंड में मैनेजमेंट है और वहां जो कुछ मेंबर्स होंगे मैनेजमेंट कमेटी के, वो फूड कमेटी से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी उन बच्चों का लंच या तो स्पेयर रखाया जाएगा या ग्राउंड में पहुंचाया जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल मेंबर्स, दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग. एंड देन इंक्रीज क्रिएटिविटी, जो प्लानिंग में आपके मेंबर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना, ये भी एक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है. एंड द लास्ट वन इज रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. मिस्टेक्स जो है बेटा, गलतियां हैं हम सभी करते हैं और चांसेस भी होते हैं, जो भी हम काम करेंगे वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज रिड्यूस दिस चांस, माइनस दिस दैट चांस. एंड हाउ कैन इट बी पॉसिबल, थ्रू द प्लानिंग ऑनली. आप जो गलतियां हो सकती हैं उनको मिनिमाइज करना भी प्लानिंग का मेन एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है. नाउ
the next one is, what is the next topic? Various types of planning in sports. Types of planning in sports. Give me a sec, please. Yes, please. Various types of planning in sports. Sports में जो types होते हैं, देखिए इधर long term planning भी हो सकती है और short term planning भी. Long term planning we can do it like for example the Olympics. Olympics हैं जो आपके after every 4 years होंगे, तो इन Olympics को conduct करने के लिए हमें long term planning करनी पड़ती है, क्योंकि एक बड़े level का international huge competition है. अगर हम short term planning की बात करें, India पे अगर हम आए, तो SGFI की भी एक long term planning है, लेकिन अगर हम KVS के regional sports meet या national sports meet की बात करें, तो वो एक short term planning के अंदर आ जाता है. The second one is training sessions के according planning. अब training session का है, तो उसमें भी आपके तीन type आ जाते हैं, micro, macro and meso. आपका training session के according जो planning होती है. अब macro जो planning है, इसमें आपका होता है annually. जैसे हम अपनी annually नेशनल मीट कराते हैं, ये प्लानिंग जाएगी आपके एनुअली, इट कैन बी अप टू 6 to 12 मंथ्स जो प्लानिंग चलेगी. मैक्रो जो प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग, सॉरी दिस वन इज द मैक्रो एंड दिस वन इज द माइक्रो. मैक्रो प्लानिंग गोज अप टू 6 to 12 मंथ्स, वी कॉल्ड इट एनुअली प्लानिंग. एंड द माइक्रो वन इज कॉल्ड वीकली. वन वीक प्लानिंग और टू वीक प्लानिंग फॉर द स्पोर्ट्स शॉर्ट टर्म planning for short term competitions. And then the meso one is 3 to 4 weeks. It can be said the monthly. Means 3 to 4 weeks, 5 weeks or 6 weeks. Then this is the time duration of the planning. We can conduct like this one. अगर हम बात करें types of planning की events wise अगर हम इसके types की बात करें, तो वो आ जाएगा athletic meet, league tournament, knockout tournament, like this. नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है और लीग टूर्नामेंट क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगी इन सबको. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लानिंग वी कैन एक्सप्लेन इन एनी वे. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग के अंदर ही, वो है वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अब हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि वेरियस स्पोर्ट्स कमिटीज, आपने कोई भी प्लानिंग करी, आपको कोई भी नेशनल लेवल का इवेंट मिला है. हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं केवीएस रीजनल लेवल की मीट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले जो भी कमेटीज बनानी होंगी उस प्लानिंग को करने के लिए, तो सबसे फर्स्ट कमेटी कौन सी होगी जो हम प्लानिंग के अंदर बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा उसके अंदर, तो वो है आपकी फाइनेंस कमेटी. फाइनेंस कमेटी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास फाइनेंस कितना है, वी विल प्लान ऑल दैट थिंग्स. और अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो हमें क्या स्पॉन्सर ढूंढने हैं, या हम खुद कहीं से डोनेशन लेके आएंगे, या फिर किसी से हम डेप्ट लेंगे. फाइनेंस कमेटी को प्लान करके, प्लानिंग का फर्स्ट कमेटी होगी जो कि प्लान करेगी कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना हमारे पास रिसोर्सेज है. और कौन कौन सी कमेटीज हैं जो प्लानिंग में आपकी आएंगी किसी भी टूर्नामेंट को कराने के लिए. देखिए फाइनेंस कमेटी के पास सबसे पहले आप जब किसी भी जगह जाते हैं खेलने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, रिसेप्शन कमेटी. रिसेप्शन कमेटी आपको एडवाइस करती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं करना, क्या आपको करना है, वेयर इज योर स्टे, वेयर इज योर फूड अरेंजमेंट, वेयर इज योर प्ले वेन्यू अरेंजमेंट. एंड देन अगेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो आपको डिसाइड करेगी कि कहाँ आपको रहना है, कहाँ खाने का है और मेन्यू क्या होगा आपका. उसके बाद आपको सोचिए जितने भी कमेटीज वहां बनती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम कमेटी कितनी बनाएं. फॉर एग्जांपल अगर क्लस्टर लेवल मीट है
और किसी ऐसे गेम की है जिसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होंगे, मान लो 20, 30 or 40 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीम, पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स, देन वी डोंट नीड टू मेक सो मच कमिटीज लाइक फाइनेंस कमेटी सेपरेटली, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी सेपरेटली, वी कैन मेक 3 or 4 कमेटीज, दे विल लुक आफ्टर ऑल द इवेंट. बट if we are talking about the regional level meet where 40 teams are going to participate or where 20 teams are going to participate, more than 100 players are going to participate, then we have to make these committees and give the responsibility separately to each committee about their concerned area. Reception committee, finance committee, refreshment committee, VIP refreshment committee, then opening ceremony committee, closing ceremony committee, prize distribution committee, officials committee. और इन committees की अगर हम बात करें तो इसका head कौन होगा? सबसे पहले होगा tournament director. Tournament director जो पूरे tournament की सारी committees को hold करेगा, सबके ऊपर उसका hold रहेगा और वो guide करेगा कि अब ये करना है, ये करना है, in case of emergency. And then the executive committee, the important one is, अभी देखिए जो tournament director है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, टूर्नामेंट डायरेक्टर आपका होल्ड कर रहा है, इसके अंदर कौन है? एग्जीक्यूटिव कमेटी. एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर है बाकी सारी कमेटीज. एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर जितनी भी आपकी कमेटी आएंगी, यहां फाइनेंस कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये जितनी भी कमेटीज हैं वो सारी यहां आ जाएंगी. एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, इस चीज को समझना कि जितनी भी हमारी कमेटी है, आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग है या स्टे अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी वेन्यू पे आने जाने के लिए, तो इन सब कमेटी से एक एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होगा. फाइनेंस कमेटी से एक मेंबर यहाँ होगा, रिसेप्शन कमेटी से एक मेंबर यहाँ होगा. जब भी टूर्नामेंट डायरेक्टर को कोई गाइडलाइन देनी होगी तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग ऑल द मेंबर्स एट वन प्लेस, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, आप अपने वेन्यूज को छोड़ छोड़ के आएंगे तो वहां डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा, वहां से एक एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होता है और जो टूर्नामेंट डायरेक्टर है वो इंस्ट्रक्शन इसी कमेटी को देते हैं और इसी कमेटी के मेंबर्स अपनी अपनी डिफरेंट कमेटीज में आकर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराते हैं. This is the main difference. अब टूर्नामेंट है जो क्या चीज है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, सॉरी इससे पहले एक टॉपिक रह गया, ड्यूटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट. किसी भी टूर्नामेंट को कराने से पहले जो प्री ड्यूटीज रहेंगी, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ड्यूटीज रहेंगी और पोस्ट ड्यूटीज क्या होंगी डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज के, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें रटने वाला कुछ नहीं, आप एक नॉर्मल सा लॉजिक समझो कि टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले डिफरेंट कमेटीज की क्या ड्यूटी होंगी. आप किसी भी कमेटी को उठा लीजिए, अगर वो अरेंजमेंट करेंगे, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी को लेते हैं, तो टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले उनका क्या होगा, एक उनको रफ रेशियो तैयार करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, फिर उनमें से कितने वेन्यू पर स्टे करेंगे, एंड देन हाउ मेनी आर वेजिटेरियन, हाउ मेनी आर नॉन वेजिटेरियन, उनके लिए मैट प्रोवाइड करना, बेडशीट, पिल्लो और मॉस्क्यूटोज अकॉर्डिंग टू वेदर, अगर ठंड है तो रजाई देना, और टोर्च, कैंडल्स, इन सब का अरेंजमेंट करना, और फूड वेन्यू पे जाए तो वहां टेबल्स लगाना, चेयर्स लगाना, और फूड में ऑप्शंस क्या क्या होंगे, किस टाइम क्या बनेगा, वेदर के अकॉर्डिंग फूड बनेगा, ऑल दैट कम्स टू द प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज. और अगर हम फर्स्ट एड कमेटी की बात करें तो जो नॉर्मली फर्स्ट एड हमें डॉक्टर, इमरजेंसी डॉक्टर का नंबर होगा, एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा जो इमरजेंसी में तुरंत पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जा पाए अगर कोई केस होता है तो. इसी तरह हम किसी भी कमेटी की बात करेंगे तो आप पहले से जो प्लान करोगे टूर्नामेंट से पहले, द ऑल वर्क कम इन प्री ड्यूटीज, एंड देन ड्यूरिंग ड्यूटीज, ड्यूरिंग टूर्नामेंट वेरी क्लियर है, बहुत क्लियर है कि आप टूर्नामेंट के टाइम पे आपकी ड्यूटीज क्या क्या हो रही है. अगर मैच चल रहे हैं तो फर्स्ट एड कमेटी वहां फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रही है और बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी वाले अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले अपना काम कर रहे हैं, प्लेयर्स को लेके जाना, वापस वहां पर छोड़ना, उनका रिकॉर्ड रखना, एंड देन पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी. तो टूर्नामेंट हो गया तो पोस्ट टूर्नामेंट में एक सबसे जो मेन वर्क होता है वो होता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का. टूर्नामेंट खत्म होने के बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, कौन चीफ गेस्ट होंगे, ऑनर किनको दिया जाएगा, हु इज द बेस्ट प्लेयर, फिर उसके बाद रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, प्रॉपर फाइल करना, रिपोर्ट तैयार करना और उस रिपोर्ट्स को अपने हायर अथॉरिटीज को देना, एंड देन वन मोर इम्पोर्टेंट, प्रेस नोट, अगर प्रेस में उस टूर्नामेंट के बारे में छपना है तो वो प्रेस नोट तैयार करना. दीज आर ऑल द पोस्ट टूर्नामेंट ड्यूटीज.
Okay, the next topic is, what is tournament? Student, here we go to the next level. Let me explain you what is tournament. This is the time. Tournament, or another word used, jo bhi hum competition karate hain.